हेलो एवरीवन, आज के सेशन से मैम स्टूडेंट्स की क्वेरी कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी आई थी, इसलिए मैंने क्विक ये वीडियो सेशन आपके सामने लाना चाहा है। स्टूडेंट की जो क्वेरीज है कि मैम टेंथ के बाद जो हमें फील्ड चूज करनी पड़ती है, लाइक कॉमर्स है, बायो है, साइंस साइड से आप जाना चाहते हैं, मैथमेटिक्स, लाइक आपको फील्ड जो चूज़ करनी है वो किस बेसिस पे हम चूज़ कर सकें, और अगर कॉमर्स चूज़ करना है तो उसके पीछे हम क्यों एनर्जी लगाएं। ठीक है, तो इस सेशन में मैं और डिटेल डिस्कस करने से पहले सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहूँगी, इसके दो वे आउट हमें निकालना है। ठीक है, सबसे पहले आपको जो है आपकी लाइफ कैसे चाहिए, आप आज से एन ईयर के बाद आप खुद को कहाँ देखना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको बैक प्लानिंग करनी है। फॉर एग्जांपल, भाई किसी को बिग कॉर्पोरेट्स में काम करना है, किसी को बिजनेस का काम करना है, किसी को बैंकिंग सेक्टर में जाना है, किसी को आरबीआई की फील्ड में वर्क करना है, किसी को इकोनॉमिस्ट बनना है, ऐसे कई सारे ऑप्शंस में आप खुद को देखना चाहते हैं। ठीक है, तो ये देखना ज़रूरी है कि आप चाहते क्या हैं, उसके अकॉर्डिंग आप बैक प्लानिंग करेंगे। तो ये आपका सेल्फ होमवर्क हो गया पहला। तो ठीक, दूसरा आपको डिस्कशन करना है पेरेंट्स के साथ। तो आप कहोगे अरे यार आप 21st सेंचुरी में ये कैसी बातें कर रहे हो, तो यस मैं ये आपको बोलना चाहूँगी कि यस, ये 21st सेंचुरी में भी मैं यही बातें करूँगी कि आपको पेरेंट्स के साथ डिस्कशन करना है। उसके दो वजह हैं, दो रीज़न हैं, आप सेटिस्फाई होना तो डेफिनेटली उसे अप्लाई करना। पहला रीज़न उनका एक्सपीरियंस, और साथ ही साथ उनके एक्सपीरियंस के साथ वो आपको शायद बहुत अच्छे से जानते हो। ठीक है, तो अगर आपके पेरेंट्स आपको अच्छे से जानते हैं और उनका खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो वो कभी भी आपका गलत नहीं चाहेंगे, हमेशा आपका ब्राइटेस्ट फ्यूचर चाहेंगे। ठीक है, तो एक रीज़न तो ये हो गया। सेकंड रीज़न, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत होगी, तो डेफिनेटली आपको उन्हीं फील्ड में जाना है जहाँ पे हैप्पीनेस आपके साथ हो और आपके पेरेंट्स का सपोर्ट। तो ये दो एरियाज़ हैं, अगर आप एग्री हो तो डेफिनेटली इस पर अमल करना, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस के साथ और जो मेरे जो कनेक्टेड स्टूडेंट हैं, काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। तो आप अपने अपना होमवर्क करें, आप अपनी लाइफ कैसे चाहते हैं उस अकॉर्डिंग आप अपने कोर्सेज को आइडेंटिफाई करें एंड अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करें, वो अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ डिस्कस करें, और एक कॉन्क्लूजन जो है आपका आपके सामने आना चाहिए। ठीक है, तो एक वे तो मैंने ये बताया। दूसरा, कॉमर्स से क्या बेनिफिट होगा, आप कौन सी फील्ड्स में जा सकते हैं। देखिए, आपने अगर कॉमर्स स्ट्रीम चूज़ किया तो आप बैंकिंग सेक्टर में 12th के बाद से भी जा सकते हैं, और अगर आप फर्दर की स्टडीज़ करें तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत बड़ा एक्सपोजर हो जाता है। ठीक है, तो आपने बैंकिंग सेक्टर हो गया, बैंकिंग सेक्टर की पोस्ट में जा सकते हैं, एज अ इकोनॉमिस्ट खुद को देख सकते हैं इकोनॉमिक्स की पोस्ट में, जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कई सारी पोस्ट हैं, टैक्सेशन से रिलेटेड मैटर्स को, लीगल मैटर को। ठीक है, यानी अगर हम कोर्स स्पेसिफिक चाहें तो आप जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हैं, लॉयर बन सकते हैं। ठीक है, और आप जो है यस यूपीएससी सिविल सर्विस के में भी कॉमर्स की एक अच्छी पोस्ट मतलब एक ऑप्शन है, और उसके आगे बहुत अच्छा फ्यूचर है, तो आप उसमें भी कॉमर्स का बेनिफिट ले सकते हैं। यानी अगर आपको यूपीएससी भी करना है तो भी कॉमर्स ऑप्शनल के थ्रू आप जा सकते हैं डेफिनेटली। ठीक है, और क्या है, आपको बैंकिंग सेक्टर में जाना है, इकोनॉमिक्स में, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। अगर आपको खुद का बिजनेस करना है और आपका मेनली पैसों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है ना, तो कॉमर्स आपके लिए। अब आप सोचोगे भाई मैम कॉमर्स, ये पैसों का इंटरेस्ट तो हर किसी का होता है, लेकिन मनी मैनेजमेंट जो है ना वो कॉमर्स के स्टूडेंट को ज़्यादा अच्छा आता है। कैश फ्लो वो अच्छे से समझ पाएंगे, पॉकेट में कितना है और कितना जा रहा है, उसका डेबिट एंड क्रेडिट और एक्सपेंसेस के बारे में आप ज़्यादा समझ पाएंगे। तो ऐसी कई सारी लैंग्वेज जो अभी आपको नहीं समझ में आ रही होगी, कुछ समय के बाद अगर आप कॉमर्स चूज़ करेंगे तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो कॉमर्स में आने से आपको तीन सब्जेक्ट मेनली टेकन केयर होंगे जो आपके नए आपके फील्ड में आएंगे। एक है अकाउंटेंसी, जो नंबर्स का खेल है, दूसरा है आपका इकोनॉमिक्स, एंड तीसरा है बिजनेस स्टडीज। तो अब नंबर्स के खेल की बात की, जहाँ मैंने अकाउंटेंसी की, तो वहाँ मैथमेटिक्स मत समझ लेना, क्योंकि मैथ्स एंड अकाउंट्स आर टोटली डिफरेंट। ठीक है, बिल्कुल डिफरेंट फेसेस हैं। तो आपको अकाउंट्स देखना है, एक नया सब्जेक्ट है, नई एनर्जी भी मिलेगी, नया वाइब्रेशंस मिलेगा, और अच्छे डायरेक्शन में आपने अच्छे से पढ़ाई करी, अपना बेस स्ट्रांग रखा, तो डेफिनेटली आपने जो भी सपना देखा है ना, आप उसे डेफिनेटली हिकअप्स तो आएंगे, उसे मीट कर लेना, क्योंकि आप तो वॉरियर बने हो, तो उसे फाइट करते हुए आप डेफिनेटली उसे अचीव कर लोगे। ठीक है, तो ये ब्रीफ ओवरव्यू मैंने आपको बताया कि अगर आपको कॉमर्स चूज़ करना है, तो अगर आप चूज़ कर रहे हो ना, तो पूरे दिल से और एक्सेप्टेंस के साथ चूज़ करो। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट बोलते हैं मैम पेरेंट्स का बिजनेस हमें कंडक्ट करना है, बिल्कुल भी एम्बैरेसिंग नहीं फील करना है, आपको उसको भी कॉन्फिडेंटली कैरी करना है। बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा है वो नहीं कॉम्फर्टेबल फील करते, उसको अच्छी ऊँचाइयों पर लेके जाओ। ठीक है,
मैंने आज के सेशन में आपको कुछ आज बातें बताई जिससे कि मुझे लगता है शायद से आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिले, ठीक है, तो उसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाएं। अगर कोई क्वेरीज हैं या कोई सपोर्ट है जो आपको एक्स्ट्रा आपको डिस्कस करनी है, आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछें। अगर पर्सनल कॉल की ज़रूरत होगी डेफिनेटली विल अरेंज देम, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट एज मच एज आई कैन, ठीक है, मैं जितना पॉसिबल होगा मैं हेल्प करूँगी, ठीक है। और आपसे पहले रिक्वेस्ट ये कि अपना होमवर्क तो आपको करना है, वो मुझे नहीं देना है, और डेफिनेटली अपने पेरेंट्स के साथ बात करें और अपनी लाइफ स्ट्रैटेजी को फ्रेम करें, टाइम फ्रेम करें, ठीक है। सो आई होप आई हेल्प यू। स्टिल अगर आपकी कोई क्वेरी है, ठीक है, हम डिफरेंट कोर्सेज को भी यहाँ पे डील करेंगे, नॉट टू वरी, ठीक है, एवरी थिंग आई हेयर टू डिस्कस यू, बट मुझे क्या चाहिए, टू वे कम्युनिकेशन, ठीक है, आप मेरे से बातें करेंगे, ठीक है। सो टेक केयर एंड लेट मी नो कि आपको इस सेशन से कितना बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।